नगरपालिका एदमापुर पहुंची विकसित भारत संकल्प रथ यात्रा का स्वागत हुआ है। मोदी की गारंटी हमारा भारत विकसित पिछले एक माह में लगातार पूरे भारतवर्ष में हर ग्राम पंचायत और नगरपालिका नगर निगम में भारत विकसित संकल्प रथ यात्रा पहुंच रही है। जन प्रतिनिधि ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कर रहे हैं। 5 जनवरी 2024 को आगरा जनपद की नगरपालिका एदमापुर में विकसित भारत की संकल्प यात्रा पहुंची, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने एक दर्जन से ज्यादा महिलाओं का खुद हेल्थ चेकअप कराया। वहीं पात्र लाभार्थियों को बड़े स्तर पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश कुशवाहा, अधिशासी अभियंता रवि यादव, एसडीएम एदमापुर कृष्ण कुमार सिंह, तहसीलदार अविचल प्रताप सिंह एवं समस्त पार्षद अथवा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। सभी नगरवासियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। सरकार की तरफ से ये प्रोग्राम का कार्यक्रम लगा हुआ है, लेकिन इसमें पूरे नगरवासी पूरे जोर तोड़ से आए हैं। सभी पेंशन व्यवस्था योजना और जो उज्ज्वला प्रधानमंत्री आवास योजना, सभी ये कैंप लगाए हुए हैं। और हमारे जो साहब चेयरमैन साहब की तरफ से पूरा मतलब इंतजाम हुआ है। सभी पब्लिक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने लाभार्थी अपना लाभ लेके जाएँ, अपना संकल्प लेके जाएँ। जो भी इन हमारे मंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिए उनको मान के अपने पूरी सच्चाई और धर्म से निभाएँ। और जनता को मैं पूरी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी पत्रकार मंदियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी सभासद गणों की तरफ से आप सबको पूरे सभी पत्रकारों को धन्यवाद। क्या एदमापुर नगर पालिका परिषद के प्रांगण में मोदी की गारंटी भारत विकसित संकल्प यात्रा यहाँ पर आई है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को यहाँ पर कैंप लगा करके और अधिकारी आए हैं। लोगों ने यहाँ पर मुद्रा योजना का, स्वनिधि योजना का, विधवा पेंशन का, दिव्यांग पेंशन का, वृद्धावस्था पेंशन का, इवन जात आय प्रमाण पत्र के आवेदन, उसके साथ आयुष्मान कार्ड के लिए, किसान सम्मान निधि के लिए और शौचालय के लिए, आवास के लिए आवेदन किया है। लोगों को विश्वास है कि मोदी ने अगर गारंटी ली है तो उसको पूरा करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के नारे को ऐसे ही संकल्प यात्रा के कैंप बिना जात, क्षेत्र, धर्म और पार्टी को देख करके केवल गरीबी के आधार पर उन योजनाओं का लाभ लोगों को दे रहे हैं। मैं मोदी जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित